रूस और नॉर्थ कोरिया की बढ़ती नजदीकी ने यूक्रेन की टेंशन बढ़ा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने नॉर्थ कोरिया पर बड़ा आरोप लगाया है। जेलेंस्की ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने रूस की मदद के लिए यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में न केवल हथियार बल्कि सैनिक भी भेजे हैं। इस बीच इस मामले से परिचित एक पश्चिमी राजनयिक ने 15 अक्टूबर को कीव इंडिपेंडेंट को बताया कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 सैनिकों को रूस भेजा है। वहीं जेलेंस्की का भी कहना है कि हम देख रहे हैं कि रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के बीच संबंध और गहरे होते जा रहे हैं। जेलेंस्की ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अब ये सिर्फ हथियार भेजने तक सीमित नहीं है बल्कि नॉर्थ कोरिया अपने यहाँ से लोगों को भी कब्जाधारी मिलिट्री फोर्स में भेज रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने कहा था कि इस बात की काफी उच्च संभावना है कि नॉर्थ कोरिया यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद के लिए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए अपने सैनिक भेज रहा है। साउथ कोरिया की ओर से किए गए इस दावे को दोहराते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और उसके सहयोगियों को रूस के इस गहरे गठबंधन के खिलाफ मजबूत जवाब देने की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध को और बढ़ने से रोकने के लिए सैन्य सहयोग बढ़ाने की मांग को भी दोहराया। उधर व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने भी मंगलवार को कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिकों के यूक्रेन में रूस के लिए लड़ने की खबरों से संयुक्त राज्य अमेरिका चिंतित है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मानना है कि यूक्रेन में उत्तर कोरियाई सैनिकों की भागीदारी अगर सच है तो उत्तर कोरिया रूस रक्षा संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस तरह का कदम रूस के लिए हताशा के एक नए स्तर का भी संकेत देगा क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ अपने क्रूर युद्ध में युद्ध के मैदान पर उसे महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें जेलेंस्की लंबे समय से रूस में लंबी दूरी की क्षमता वाले हथियारों से उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की मांग कर रहे हैं लेकिन उनके सहयोगियों की ओर से इस मांग को अभी तक माना नहीं गया है। हालांकि जेलेंस्की का कहना है कि वह अपनी इस मांग को दोहराते रहेंगे। बहरहाल फरवरी 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका जर्मनी ब्रिटेन समेत कई देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। इन देशों ने बड़ी मात्रा में यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य हथियार मुहैया कराया है। यही वजह है कि युद्ध के 960 दिन बीत जाने के बावजूद यूक्रेन रूस का मुकाबला कर पा रहा है लेकिन ये आगे कितने दिनों तक इस संघर्ष में टिक पाएगा ये कहना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार रूस के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाने की मांग अपने सहयोगी देशों से कर रहे हैं।